मैं आया हूँ ड्रीम रेस्टोरेंट में। ये ड्रीम सिटी बड़ी ही शानदार रेस्टोरेंट है खाने का, अगर कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। ये रायसर से आगे नौरंग देसर में पड़ता है, बीकानेर में। इसमें मैंने 600 रुपए की थाली ली थी, बड़ी शानदार और बेहतरीन थी। इनका खाना बहुत टेस्टी है, नया होटल खुला है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिलकर खाई थी। ये 600 रुपए की थाली है जिसमें दोनों का पेट भर गया था, इतनी शानदार थाली थी, बहुत अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का वीडियो शूट करता हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप घर बैठे पूरे हिंदुस्तान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम खर्चे में कैसे घूमें, संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो बनाता हूँ। जैसे उज्जैन यात्रा मात्र 100 रुपए में, गंगा सागर यात्रा मात्र 121 रुपए में, वैष्णो देवी यात्रा मात्र 1500 रुपए में, अमरनाथ यात्रा मात्र 3500 रुपए में। इतने सस्ते सस्ते वीडियो बनाता हूँ, वो सस्ते खाने बताता हूँ और बेहतरीन बेहतरीन खाने बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरा वीडियो शूट करते हैं, चलते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. मैं जब जयपुर से बीकानेर की ओर आ रहा था तो मैंने ये नौरंग देसर में देखा और हाईवे रोड पे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग वाइटिंग देखी तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि यहीं खाना खाएंगे, तो हमने यहाँ पे रोकी। मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट हमारे बीकानेर में भी बन गया है, इतना खूबसूरत होटल हमारे बीकानेर में बन गया है जिसमें बाहर तो माचे लगे हुए हैं, बाहर देसी लुक में आप खाना खा सकते हैं, मारवाड़ी स्टाइल में, राजस्थानी स्टाइल में खा सकते हैं, और अंदर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, एसी वेसी की व्यवस्था है, वहां पे अंदर बैठ के भी आप खाना खा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जब गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मेरी वाइफ को कि अपन माचे पे बैठ के खाना खाएंगे। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, राजस्थानी लुक और राजस्थानी हिसाब से बनाया गया, डिजाइन किया गया। ये 600 रुपए की थाली है, एक इसमें 400 की थाली भी आती है। 600 रुपए की थाली में दाल बाटी चूरमा, खमन ढोकला, गुलाब जामुन, शाही पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, दाल मखनी, लहसुन की चटनी, सलाद, सांगरी की सब्जी और कड़ी पकोड़े वाली, ये हमारे को मिले थे और बहुत ही बेहतरीन थाली थी। दो बंदों में सफिशिएंट थी, जिसमें एक मिर्ची दी थी, पूरी राजस्थानी थाली दी थी हमें, जिसमें अगर आप राजस्थान है और सांगरी की सब्जी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। राजस्थान की बड़ी फेमस सब्जी है ये सांगरी की सब्जी, जो राजस्थान में पाई जाती है और बहुत महंगी सब्जी भी होती है ये। लहसुन की चटनी आप देख सकते हो, पूरा कम्बो थाली थी, बहुत शानदार थाली थी। और अगर कभी आप नहीं गए हो तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार इस होटल में विजिट करें, इनका खाना भी बड़ा टेस्टी था, व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लच्छा पराठा दिया था, एक तंदूरी रोटी दी थी और एक मिस्सी रोटी दी थी। नहीं कहीं ओ।
नजरिया लागे नहीं कहियो राजस्थान में एक परंपरा है कि जो मेहमानों को और जवाइयों को पाटों पर बिठा करके खिलाया जाता है, तो ये पाटा सिस्टम भी यहाँ पे रखा है। इन्होंने हर चीज को बारीकी से ध्यान में रख के बहुत ही शानदार सिस्टम किया है इन्होंने। होटल के पीछे गार्डन बना रखा है। और वैसे अगर किसी को कोई राजस्थानी मूवी बनानी हो या किसी भी टाइप की मूवी बनानी हो या कोई नाटक और बनाना हो, तो आप इनकी क्या है 3 घंटे के 7,000 रुपए लेते हैं। ये यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा पीछे इसके ये सेटअप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत अच्छा बना रखा है, वहां पे आप मूवी भी शूट कर सकते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा और मैं हमेशा वीडियो लाता हूं, और मेरा रोज का 1 या 2 वीडियो YouTube पे पोस्ट होते हैं।